मैं अपनी फेवरेट हूँ, जब भी मेट का ये डायलॉग किसे याद नहीं है। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या खास है इस डायलॉग में, क्यों ये इतना हिट हो गया? किसी लड़की का अपना फेवरेट होना, इसमें अनोखी बात क्या है? हर इंसान को अपना फेवरेट होना चाहिए, नहीं? मैं बाल की खाल नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन सोच कर देखिए, गीत ने जब कहा कि वो अपनी फेवरेट है तो आपका रिएक्शन क्या था? आप हंसें उसकी बेवकूफ़ी पर, उसकी मासूमियत पर, उसके इस कॉन्फिडेंस पर कि वो अपनी फेवरेट कैसे हो सकती है? किसी लड़की का अपना फेवरेट होना बेवकूफ़ी का नहीं, बहुत हिम्मत का काम है। नमस्कार, मैं हूँ ईशा और मैं हाजिर हूँ आपके साथ आज वो कौन थी के सीज़न 2 के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉयचे वेले के ब्रॉडकास्टिंग हाउस के रेडियो स्टूडियो में। अब क्योंकि ये पॉडकास्ट है तो आपके पास ऑप्शन है YT म्यूज़िक पर इसे सुनने का। जैसा कि मैंने पिछले सीज़न में भी कहा था, बैंडविड्थ भी बचेगी और आप आंखें बंद करके अपनी खुद की फिल्म देख सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज। आज की कहानी है उस लड़की की जो अपनी फेवरेट थी। वो कौन थी? आज की कहानी के लिए ले चलती हूं आपको मेक्सिको। 6 जुलाई 1907 को यहां जन्म हुआ फ्रीडा कालो का, जो आगे चलकर मेक्सिको की सबसे मशहूर पेंटर बनी। वो अपनी इतनी फेवरेट थी कि उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी अपने हिसाब से बदल ली थी। पैदा वो भले ही 1907 में हुई थी, लेकिन जब उससे कोई पूछता तो वो कहती कि मेरा जन्म 1910 में हुआ। ऐसा वो इसलिए नहीं करती कि वो अपनी उम्र कम करके बताना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये वो साल था जब मेक्सिको में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। और वो चाहती थी कि लोग उसे ऐसे ही याद रखें कि एक तरफ नए मेक्सिको का जन्म हो रहा था और दूसरी तरफ नई सोच वाली फ्रीडा का। फ्रीडा ने अपना बचपन बिताया राजधानी मेक्सिको सिटी के करीब एक छोटे से गांव में जिसका नाम था कोयोकान। वहां जिस नीले रंग के घर में फ्रीडा रहती थी, आज भी लोग उस घर को देखने जाते हैं। पिता जर्मनी से नाता रखते थे। फ्रीडा के पैदा होने से कुछ 16 साल पहले वो जर्मनी से मेक्सिको जाकर बसे थे। पेशे से फोटोग्राफर थे और यहीं से फ्रीडा की तस्वीरों में और कला में रुचि पैदा हुई थी। फ्रीडा अपने पिता के काफी करीब थी। वो अक्सर उन्हें तस्वीरें डेवलप करते हुए देखती थी। फ्रीडा की माँ आधी स्पैनिश आधी अमेरिकन थी, यानी घर में कई संस्कृतियों का मिला जुला रूप था। लेकिन फ्रीडा का दिल बसता था मेक्सिको की संस्कृति में। जिस जमाने में फ्रीडा पैदा हुई थी, तब पोलियो का प्रकोप था। फ्रीडा 6 साल की थी जब वो इस बीमारी की चपेट में आ गई। पोलियो ने फ्रीडा की एक टांग को खराब कर दिया। अपनी इस पतली पोलियो पीड़ित टांग को छिपाने के लिए फ्रीडा बड़ी बड़ी स्कर्ट्स पहना करती थी, जो बाद में जाकर उसका स्टाइल बन गई। पोलियो होने के बाद उसे काफी वक्त तक स्कूल से दूर रहना पड़ा था। जब लौटी तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसके साथ खेलने से कतराते। उस वक्त फ्रीडा के पिता ने उसका बहुत साथ दिया। उस जमाने में लोग पोलियो पीड़ितों को खेल कूद से दूर रखते, इस डर से कि कहीं उनकी टांगें और खराब ना हो जाएं। लेकिन फ्रीडा के पिता ने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। न सिर्फ उसे खेलने कूदने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी कराई। लेकिन पोलियो फ्रीडा की मुसीबतों की बस शुरुआत भर था। आगे भी उसकी जिंदगी में एक के बाद एक ट्रेजेडी होती चली गई। 17 सितंबर 1925, फ्रीडा की उम्र तब 18 साल थी। शाम को अपने दोस्त के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। बरसात का दिन था, बादल घिरे हुए थे। बस में बैठे हुए अचानक से उसे ख्याल आया कि शायद छाता कहीं भूल आई है। छाता ढूंढने के चक्कर में दोनों लोग बस से उतरे, वापस गए, छाता तो नहीं मिला। सोचा चलो दूसरी बस लेते हैं और घर जाते हैं। लेकिन इस बस की किस्मत में एक बड़ा हादसा लिखा था। गीली सड़क पर बस फिसली और सामने से आ रही ट्राम से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी बुरी तरह हुई कि ट्राम बस को कई फीट तक घसीटती हुई ले गई। कई लोगों की मौके पर ही जान चली गई। फ्रीडा की जान तो बच गई, लेकिन एक लोहे का सरिया उसके शरीर में घुस गया। ये रेलिंग का टुकड़ा था जो फ्रीडा के कूल्हे में एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकला था।
फ्रीडा के दोस्त ने उसे हाथ से खींचकर बाहर निकाला था। शायद उसे नहीं निकालना चाहिए था क्योंकि सरिये ने फ्रीडा के पेट और यूटरस को चीर दिया था। इतना ही नहीं, फ्रीडा को और भी कई चोटें आईं। उसकी रीढ़ की हड्डी जगह जगह टूट गई। जो टांग काम करती थी उसमें 11 फ्रैक्चर हुए। कंधे अपनी जगह से हिल गए। कॉलर बोन, रिब केज, पेल्विस सब टूट गया। इस सब की वजह से उसे जिंदगी भर एक के बाद एक 35 ऑपरेशन कराने पड़े। हालांकि पूरी तरह वो कभी भी ठीक नहीं हुई। पूरी जिंदगी उसे दर्द में ही बितानी पड़ी। इस एक्सीडेंट ने फ्रीडा की हड्डियां जरूर तोड़ दी थी, लेकिन उसके हौसले नहीं। वो एक महीना अस्पताल में रही और उसके बाद कई महीने घर के बिस्तर पर। तब तक फ्रीडा डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती थी। साइंस और खासकर बायोलॉजी में उसकी काफ़ी रुचि थी, लेकिन इस हादसे के बाद उसकी पढ़ाई छूटती गई और वो समझ गई कि अब डॉक्टर बनना तो मुमकिन नहीं है। उसे समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने जा रही है। इस दौरान फ्रीडा की माँ ने उसके बिस्तर पर ही एक फ्रेम अटैच कर दिया जिस पर वो कैनवस टांग सकती थी। साथ ही फ्रीडा के कहने पर एक आईना भी लटका दिया जिसमें वो खुद को देख सके। पिता ने अपने कुछ रंग और ब्रश दिए और बस, फिर क्या था। फ्रीडा ने पेंट करना शुरू कर दिया। वो अक्सर अपने दर्द को कागज पर उकेरती, ज्यादातर अपनी खुद की पेंटिंग बनाती। फ्रीडा ने अपनी पूरी जिंदगी में कुल 143 पेंटिंग्स बनाई। इनमें से 55 उसकी खुद की पोर्ट्रेट्स थी। वैसे फ्रीडा जब स्कूल में थी तो एक बार देश के जाने माने पेंटर डिएगो रिवेरा एक प्रोजेक्ट के लिए वहां आए थे। फ्रीडा उनसे बहुत इंप्रेस थी। फिर जब बिस्तर में रहते हुए फ्रीडा ने खुद पेंट करना शुरू किया तो उसके मन में आया कि क्यों ना रिवेरा के पास जाकर ही पूछा जाए कि मेरी पेंटिंग किसी काम की भी है या नहीं। जैसे ही फ्रीडा ने चलना फिरना शुरू किया, वो पहुंच गई रिवेरा के पास। और रिवेरा को इस बात ने काफी हैरान भी किया कि एक 18-19 साल की लड़की में इतना कॉन्फिडेंस है कि सीधे उनसे आकर पूछ लिया कि आपको क्या लगता है, मुझ में टैलेंट है या नहीं। डिएगो रिवेरा को न सिर्फ फ्रीडा की पेंटिंग्स बल्कि फ्रीडा भी पसंद आ गई थी। हालांकि तब तक वो पहले ही 2 शादी कर चुके थे, लेकिन फ्रीडा के लिए वो अपनी दूसरी पत्नी को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। फ्रीडा को भी उनसे प्यार हो गया। जिस वक्त दोनों ने शादी की, फ्रीडा की उम्र महज 20 साल और डिएगो रिवेरा की 40 साल थी। फ्रीडा जितनी दुबली पतली कमजोर, पति डिएगो उतने ही हट्टे कट्टे, इसलिए लोग उन्हें हाथी और हंस का जोड़ा कहते थे। अजीब शादी थी ये। 2 बेहद होनहार पेंटर जो एक दूसरे के काम की तारीफ करते नहीं थकते। 2 ऐसे लोग जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन बावजूद इसके एक दूसरे के साथ वफा भी नहीं निभा पाते। सब जानते थे कि लड़कियां डिएगो की कमजोरी हैं। शादी के बाद भी डिएगो के कई अफेयर हुए। फ्रीडा ये देख देख कर फ्रस्ट्रेट होती। वो कुछ भी करके डिएगो को बदल नहीं पा रही थी, तो वो खुद ही बदल गई। डिएगो की तरह फ्रीडा के भी कई अफेयर हुए, और सिर्फ मर्दों से ही नहीं, औरतों से भी हुए। और फ्रीडा ने कभी अपने किसी रिश्ते को छिपाया नहीं। दोनों जितने टैलेंटेड थे उतने ही शॉर्ट टेम्पर्ड भी। 10 लड़ाई झगड़े का सिलसिला चला और फिर दोनों ने तलाक ले लिया। लेकिन तलाक लेकर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाए, तो 1 बाद फिर से शादी कर ली। फ्रीडा को लगता था कि अगर बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर था कि प्रेगनेंसी बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। बार बार मिसकैरेज ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था, और इसे भी फ्रीडा ने अपनी पेंटिंग में दर्शाया था। डिएगो भले ही फ्रीडा से उम्र में 20 बड़े थे, लेकिन फ्रीडा उन्हें ही अपना बच्चा, अपना प्यार, अपनी दुनिया कहा करती थी। लेकिन जिस तरह के प्यार की वो डिएगो से उम्मीद कर रही थी, वो उसे कभी नहीं मिला। पति के साथ अपने रिश्ते को बयान करते हुए फ्रीडा ने एक बार कहा था, मैं अपनी जिंदगी में 2 भयानक हादसों का शिकार हुई हूं। एक वो था जिसमें स्ट्रीट कार ने मुझे बुरी तरह चोट पहुंचाई थी, और दूसरा हादसा था डिएगो। फ्रीडा की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जब वो इतनी निराश, इतनी हताश थी कि उसकी भूख प्यास सब मर गई थी। वो बिस्तर पर थी और कुछ ना खाने की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी। उस वक्त
डॉक्टर ने घर वालों को कहा था कि उसे हर दो दो घंटे में जबरदस्ती कुछ दिया जाए, कुछ ऐसा जो सीधे उसके गले से नीचे उतर जाए, कुछ ऐसा जो उसमें जान फूंक सके। अपनी इस दशा को भी फ्रीडा ने कैनवस पर उतारा था। उसमें जान फूंकने वाला वो खाना खाना उसके लिए इतना मुश्किल होता था जैसे वही उसकी जान ले लेगा। इस पेंटिंग को फ्रीडा ने नाम दिया था विदाउट होप। इसके पीछे उसने लिखा था, मेरे लिए अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई है। फ्रीडा की पेंटिंग के नाम अक्सर ऐसे दुख भरे ही हुआ करते थे, जैसे एक नाम था द ब्रोकन कॉलम। फ्रीडा की पेंटिंग्स में उसका दर्द दिखता था, वो दर्द जो शरीर पर लगी चोटों ने उसे दिया और वो दर्द जो जिंदगी ने उसे दिया। फ्रीडा की एक बड़ी फेमस लाइन है कि मैं खुद को इसलिए पेंट करती हूं क्योंकि मैं अक्सर अकेली होती हूं, और क्योंकि मैं अगर सबसे ज्यादा किसी को समझती हूं तो खुद को। फ्रीडा कहती थी, मैंने कभी सपने पेंट नहीं किए, मैंने तो सिर्फ अपनी हकीकत पेंट की है। पेंटिंग कई तरह की होती है। पेंट करने के तरीकों के हिसाब से उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। फ्रीडा कालो की पेंटिंग को सररियलिस्ट पेंटिंग कहा जाता है। हालांकि फ्रीडा ने सोच समझकर ऐसा नहीं किया था। फ्रीडा को तो इस बारे में तब पता चला जब उस वक्त के मशहूर फ्रेंच पेंटर आंद्रे ब्रेटन ने मेक्सिको आकर फ्रीडा से मुलाकात की और उसे इस बारे में बताया। फ्रीडा ने तब लिखा था, सच में मैं नहीं जानती कि मेरी पेंटिंग सररियलिस्ट हैं या नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो पूरी ईमानदारी से उकेरे हुए मेरे एहसास हैं। मैंने अपने अंदर और बाहर जो भी सब महसूस किया उसे मैंने हमेशा पूरी सच्चाई के साथ दिखाया। 1939 में आंद्रे ब्रेटन ने फ्रीडा को फ्रांस आने का न्योता दिया। पेरिस में एक एग्जीबिशन में फ्रीडा की भी पेंटिंग लगाई गई। फ्रीडा इतनी पसंद की गई कि मशहूर लूव्र म्यूजियम ने उनकी द फ्रेम नाम की पेंटिंग को खरीद लिया। ऐसा पहली बार हो रहा था कि लूव्र ने 20वीं सदी के किसी मैक्सिकन आर्टिस्ट की पेंटिंग खरीदी हो। यहां तक कि पाब्लो पिकासो भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए थे। फ्रीडा भले ही मेक्सिको से निकलकर यूरोप और अमेरिका की आर्ट गैलरीज तक पहुंची हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उस जमाने में फ्रीडा इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी वो आज हैं। जो थोड़े बहुत लोग उनकी पेंटिंग्स के बारे में जानते भी थे वो भी बस उन्हें डिएगो की पत्नी ही कहा करते थे, मानो फ्रीडा की अपनी खुद की कोई पहचान ही ना हो। 1950 की बात है, डॉक्टरों ने बताया कि फ्रीडा की दाहिनी टांग में गैंग्रीन हो गया है। फ्रीडा 9 महीने तक अस्पताल में रही, कई ऑपरेशन हुए। इसके बाद भी हालत इतनी खराब रही कि वो बिना व्हीलचेयर के कहीं आ जा नहीं सकती थी। बावजूद इसके फ्रीडा ने पेंटिंग करना नहीं छोड़ा। डॉक्टरों ने फ्रीडा को बेड रेस्ट के लिए कहा था। वो समझ गई थी कि अब अंत करीब है। दुनिया छोड़ने से पहले वो अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, अपनी खुद की एग्जीबिशन करना चाहती थी। सबने फ्रीडा को मना किया, हर किसी ने कहा कि नहीं कर पाओगी, लेकिन फ्रीडा की जिद के आगे किसी की नहीं चली। 1953 में बेहद कमजोर होते हुए भी फ्रीडा ने एग्जीबिशन की। फ्रीडा को एम्बुलेंस में एग्जीबिशन हॉल लाया गया। वो उठकर बैठ भी नहीं सकती थी। स्ट्रेचर पर लेटे हुए उसने एंट्री ली और पूरा वक्त लेटे लेटे ही लोगों को देखती रही। इसके कुछ महीने बाद फ्रीडा की गैंग्रीन वाली टांग को काटना पड़ा। इतना सब भी काफी नहीं था तो फ्रीडा को निमोनिया हो गया। अब फ्रीडा हिम्मत हारने लगी थी। 13 जुलाई 1954 को 47 साल की उम्र में फ्रीडा ने दुनिया को अलविदा कहा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की थी। वो अपने दर्द से तंग आ चुकी थी, डिप्रेशन में थी, शायद इसलिए उन्होंने अपनी दवाओं की ओवरडोज ले ली थी। मौत से कुछ दिन पहले फ्रीडा ने अपनी डायरी में लिखा था, उम्मीद करती हूं कि विदाई खुशहाल होगी और ये भी उम्मीद करती हूं कि दोबारा कभी लौटना नहीं होगा। कई सालों बाद डिएगो रिवेरा ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, जिस दिन फ्रीडा गुजरी वो मेरी जिंदगी का सबसे दुखद दिन था। मुझे बहुत देर में ये बात समझ आई कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा फ्रीडा के लिए मेरा प्यार ही तो था। दुनिया के सामने फ्रीडा का टैलेंट पहुंचा उसकी मौत के कई सालों बाद।
70 के दशक में अचानक ही फ्रीडा का क्रेज जगा और वक्त के साथ ये क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। 2016 में फ्रीडा कालो की पेंटिंग टू न्यूड्स इन अ फॉरेस्ट $8 मिलियन में बिकी। सोचिए, आप जिंदगी भर मेहनत करें, आपके जीते जी कोई आपकी मेहनत की कदर ना करे और आपके गुजरने के सालों बाद दुनिया आपकी असली कीमत समझे। लेकिन 70 के दशक में ऐसा क्या हुआ कि फ्रीडा इतनी पॉपुलर हो गई? दरअसल ये वो दौर था जब पश्चिम में यूथ रेवोल्यूशन शुरू हो रहा था। हमें लगता है ना कि पश्चिमी देशों में तो लोग बहुत खुले विचार के होते हैं, जिसका जो मन करता है वो करता है, किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना कोई बड़ी बात नहीं होती। ऐसा हमेशा से नहीं था। पश्चिमी समाज भी बहुत कंजर्वेटिव था। 70 के दशक में युवाओं ने अपने हकों के लिए खूब प्रदर्शन किए और तब जाकर यहाँ का समाज बदला। फ्रीडा इस आज़ाद ख्याल समाज की प्रतीक बन गई। अंग्रेजी में कहते हैं ना, शी वॉज वे अहेड ऑफ हर टाइम्स, यानी अपने दौर से आगे की सोच थी फ्रीडा की। फ्रीडा ने दुनिया को सिखाया कि आप जैसे हो खुद को वैसा ही स्वीकारो। दुनिया के लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे हो उसी से प्यार करो। फ्रीडा के चेहरे पर बाल थे, बाकी लड़कियों की तरह उसे उनसे शर्मिंदगी नहीं होती थी, बल्कि वो तो अपनी पेंटिंग में ही खुद को मूछों के साथ दिखाती थी। उसके आईब्रोज जुड़े हुए थे, लेकिन उसने कभी उन्हें ठीक करने की कोशिश नहीं की और यही फ्रीडा की पहचान बन गए। इसी तरह उसने अपनी सेक्सुअलिटी को भी समझने की कोशिश की। उसे लड़कों के कपड़े पहनना अच्छा लगता था तो उसने किसी की परवाह नहीं की, उसके लड़कों से संबंध रहे और लड़कियों के साथ भी, और इससे उसने अपने अंदर कभी कोई हीन भावना नहीं आने दी। इसीलिए आज LGBT समुदाय फ्रीडा को आइकन की तरह देखता है। फ्रीडा कालो ने बहुत लंबी जिंदगी नहीं जी, लेकिन जितनी जी अपनी शर्तों पर। जिंदगी ने फ्रीडा को खूब चुनौतियां दी और फ्रीडा ने हर चुनौती का मुस्कुराते हुए सामना किया। फ्रीडा की एक बहुत फेमस लाइन है कि हम जितना सोचते हैं दरअसल हम उससे कई गुना ज्यादा सह सकते हैं। हर हाल में फ्रीडा अपनी फेवरेट बनी रही और यही हम भी फ्रीडा से सीख सकते हैं, है ना?